हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबके लिए एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ। इस वीडियो में मैं आपको ये क्रोचेट वर्क से हैंडमेड हेयर टाई बनाने का पैटर्न आपको बताऊंगी। इस हेयर टाई का पैटर्न हम क्रोकोडाइल स्टिच पे बनाएंगे एंड इसके लिए मैं ये थ्रेड यूज़ कर रही हूँ। एंकर थ्रेड है, ये शेडेड पे है। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी थ्रेड इसके लिए यूज कर सकते हैं। इसके लिए हम ये 2 mm क्रोशिया हुक का यूज कर रहे हैं। आप अपने थ्रेड के अकॉर्डिंग क्रोशिया हुक का यूज कर सकते हैं। इस पैटर्न को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आज आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एंड अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और इस पैटर्न को प्रॉपर समझने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए इस पैटर्न को हम स्टार्ट करते हैं। इस पैटर्न के लिए जैसे आप देख रहे हैं मैंने स्लिप नॉट वर्क किया है। अब इसमें हम चेन स्टिचेस वर्क करेंगे। ये हमने इसमें 16 चेन्स टोटल वर्क की हैं। 16 चेन्स वर्क करने के बाद से हम इसमें स्टार्टिंग से हमारी 3 को हम स्किप कर देंगे। जैसा आप देख सकते हैं 1, 2, 3 एंड 4th पे हम वर्क करेंगे डबल क्रोशिया। हमारी स्टार्टिंग की ये 3 चेन्स एज ए फर्स्ट डबल क्रोशिया हमारी काउंट होगी। इस तरीके से हमारे ये 2 डबल क्रोशिया वर्क हो गए हैं। अगेन हम 2 की चेन लेंगे, यहां से हम 2 को स्किप करेंगे 1, 2 एंड 3rd 1 पे हम अगेन डबल क्रोशिया वर्क करेंगे। अगेन 2 चेन, skip the next 2 stitches and in the 3rd 1 again make a double crochet, but this time little change, make a 2 double crochet in the same stitch. यहाँ पे हमने जैसे आप देख सकते हैं only 1 double crochet work किया था, यहाँ पे हमने एक same stitch पर ही 2 double crochet work किया। Again 2 की चेन, स्किप अगेन नेक्स्ट 2 एंड इन द 3rd 1 मेक अ डबल क्रोशिया। दिस टाइम ओनली मेक 1 डबल क्रोशिया। अगेन चेन 2, स्किप द नेक्स्ट 2 स्टिचेस एंड इन द 3rd 1 स्टिच, सॉरी, मेक अ डबल क्रोशिया। अगेन मेक अ 1 मोर डबल क्रोशिया इन द सेम स्टिच। नाउ यू कैन सी इट क्लियरली, हेयर वी मेक 2 डबल क्रोशिया, स्किप 2, 1 डबल क्रोशिया, स्किप 2, 2 डबल क्रोशिया, स्किप 2, 1 डबल क्रोशिया, लास्ट 1 स्किप 2 एंड 2 डबल क्रोशिया। नाउ वी स्टार्ट द नेक्स्ट रो, मेक अ चेन 3 for the next row. इस पॉइंट पे अब हमें सेकेंड रो के लिए जैसे आप ये देख सकते हैं मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि हम क्रोकोडाइल स्टिच वर्क करेंगे। यहां से हमारी क्रोकोडाइल स्टिच स्टार्ट होगी। जैसे आप देख सकते हैं ये हमारे 2 डबल क्रोशिया 1 एंड 2, इसमें से हमें फर्स्ट डबल क्रोशिया पे अपने वर्क करना होगा। इस तरीके से हमें इसके पोस्ट पे वर्क करना है। ये हमारी स्टार्टिंग की 3 चेन एज ए फर्स्ट डबल क्रोशिया हमारी काउंट होगी। इस तरीके से हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए, 3, 4, 5 एंड लास्ट 1, 6। ये हमारे 6 डबल क्रोशिया हमने वर्क कर लिए।
अब हमें इस तरीके से वर्क करना होगा, ये जो हमारी सेकंड है इस पे हम वर्क करेंगे इस तरीके से, सॉरी वन टू थ्री फोर फाइव लास्ट वन सिक्स। ये देखिए इसे ही क्रोकोडाइल स्टिच कहा जाता है। अब हमें इस तरीके से ये हमारा राइट साइड रहेगा, हमें इस तरीके से रॉन्ग साइड पे इसे करना है। एंड जो हमारी ये फर्स्ट वन सिंगल सॉरी जो हमारा सिर्फ वन डबल क्रोशे वर्क हुआ था, यहां पे हमें इस तरीके से वन सिंगल क्रोशे वर्क करना होगा। अगेन हम अपने राइट साइड पे टर्न कर लिया हमने, इसको हल्का सा पुल कर लें। अब हमें अगेन इस पे वर्क करना होगा जो हमारे ये टू डबल क्रोशिया वर्क हुए थे टुगेदर। इसके फर्स्ट पे हम पहले वर्क करेंगे, वन टू थ्री फोर सॉरी वन टू थ्री फोर फाइव एंड लास्ट वन सिक्स। इस तरीके से देखिए ये हमारे टू डबल क्रोशिया थे, इसका ये सेकंड पार्ट है। वन टू थ्री फोर फाइव लास्ट वन सिक्स। अगेन सेम पैटर्न होगा जैसे हमने फर्स्ट पे किया था। ये देखिए हमारा रॉन्ग साइड है, ये रॉन्ग साइड से जो हमारे नेक्स्ट ये ओनली वन डबल क्रोशिया वर्क किया था, इस पे हम सिंगल क्रोशिया वर्क करेंगे। राइट साइड पे लेंगे इसको हल्का सा पुल करके, जो हमारे लास्ट के ये स्टार्टिंग के टू स्टिचेस थे इसके फर्स्ट डबल क्रोशिया पे हम वर्क करेंगे। इसको इस तरीके से अगर आप फोल्ड करके वर्क करेंगे तो इजिली वर्क कर पाएंगे आप। वन टू थ्री फोर फाइव लास्ट वन सिक्स एंड लास्ट में हम इस पे वर्क करेंगे जो हमारी स्टार्टिंग की ये थ्री चेन थी जिसको हमने एज ए डबल क्रोशिया काउंट किया है। सॉरी इस पे भी हमें सेम वर्क करना होगा सिक्स डबल क्रोशिया का। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। ये देखिए इस तरीके से हमारी ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट रो हम अपनी स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट रो के लिए हम थ्री चेन लेंगे और जो हमारी ये फर्स्ट स्टिच है, ये फर्स्ट स्पेस आप देख सकते हैं क्लियरली, इस पे हम सिंगल क्रोशिया वर्क करेंगे। अगेन थ्री की चेन लेंगे
छह की छह लेके इसी सेम स्टिच पर ही हमें अगेन डबल क्रोशिया वर्क करना होगा। इस तरीके से हमारे ये टू डबल क्रोशिया वर्क हो गए, ये हमारी थ्री की चेन एज अ डबल क्रोशिया काउंट हो रही है। अगेन टू चेन, यहां पे जहां हमने आप देख सकते हैं बैक साइड से कि हमने जहां पे ये सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइन किया था इसी पार्ट पे ही हमें अगेन वर्क करना होगा। वन डबल क्रोशिया, अगेन टू की चेन, इस स्पेस के अंदर में वर्क करना होगा। वन डबल क्रोशिया, अगेन मेक वन मोर डबल क्रोशिया इन द सेम स्पेस, अगेन टू की चेन, ये सिंगल क्रोशिया वाले पार्ट पे वर्क करेंगे हम। अगेन टू की चेन, अगेन मेक टू डबल क्रोशिया इन द लास्ट स्पेस। देखिए इस तरीके से ये सेम पैटर्न हमारा वही है जो हमने स्टार्टिंग की फर्स्ट रो वर्क की थी। अब अगेन हमें ये क्रोकोडाइल पैटर्न रिपीट करना होगा। थ्री की चेन लेंगे, थ्री की चेन हमारी एज ए फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट होगी और इस फर्स्ट डबल क्रोशिया पे हम अपने वर्क करेंगे। सिक्स डबल क्रोशिया, अगेन इसके सेकंड पार्ट पे हम वर्क करेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव एंड लास्ट वन सिक्स। अगेन सेम पैटर्न होगा, बैक साइड से हम इसके सिंगल डबल क्रोशिया जो हमारा वन ओनली डबल क्रोशिया था उस पर सिंगल क्रोशिया वर्क करेंगे। इसी तरीके से इस रो को हम वर्क कर लेते हैं जैसे हमने इस पर वर्क किया है। ये देखिए हमने अपनी रो सेम पैटर्न पे ही रिपीट कर ली है। अगेन हम सेम पैटर्न फिर रिपीट करेंगे, थ्री की चेन लेंगे, इस स्पेस पे हम सिंगल क्रोशिया वर्क करेंगे, थ्री की चेन लेंगे, अगेन हमें इसी सेम स्पेस पे वर्क करना होगा। टू की चेन, सॉरी सॉरी फ्रेंड्स फॉर द मिस्टेक, यहाँ पे थ्री की चेन लेके हमने यहाँ सिंगल क्रोशिया वर्क किया है। यहाँ पे अगेन हम थ्री की चेन लेंगे, इसी सेम स्पेस पे हमें डबल क्रोशिया वर्क करना होगा। टू की चेन लेंगे, जो हमारी फर्स्ट यहाँ पे हमने एक वन सिंगल क्रोशिया वर्क किया था इस पे हम डबल क्रोशिया वर्क करेंगे। टू की चेन लेंगे, आगे हमारी सेम प्रोसेस ही होगी जैसे हमने इस रो में वर्क किया है। सेम प्रोसेस पे इस रो पर भी हम क्रोकोडाइल स्टिच वर्क कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमने इसके थ्री रिपीट्स कर लिए हैं, थ्री रोज सेम पैटर्न पर ही। नेक्स्ट रो के लिए थ्री की चेन लेंगे, सिंगल क्रोशिया वर्क करेंगे, थ्री की चेन एंड वन मोर चेन।
टोटल 4 चेन हम इसमें वर्क करेंगे। सिंगल क्रोशिया पे हम डबल क्रोशिया लेंगे, सॉरी अगेन, यहाँ पे देखिए हम कोई भी चेन स्पेस नहीं ले रहे हैं, ओनली हमने यहाँ पे 4 चेन वर्क किया। इस स्पेस पे हम डबल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया वाले स्पेस पे अगेन हम डबल क्रोशिया वर्क करेंगे, अगेन इस स्पेस पे हम डबल क्रोशिया लेंगे, सॉरी हमने यहाँ पे थ्रेड को कट कर लिया। इस तरीके से देखिए हमारा ये पार्ट रेडी हुआ है। इसी सेम पैटर्न का ही एक पार्ट और हमें रेडी करना है, ये मैंने पहले से रेडी करके रखा हुआ है। सेम पैटर्न का ही ये दोनों पार्ट्स हैं एंड अब हम इसको ज्वाइन करेंगे साथ में। ये देखिए ये दोनों का फ्रंट साइड दोनों को एक साइड करके इसकी स्टिचेस को इसके साथ हम मैच करेंगे। इस तरीके से इसको पुल कर लेंगे। अगेन नेक्स्ट स्टिच पे जो हमारे डबल क्रोशिया हमने वर्क किए हैं ओनली हमें उस पर ही वर्क करना है इसको। लास्ट में हमने यहाँ पे 4 चेन वर्क की थी, इसकी थर्ड चेन पे हम वर्क करेंगे। एक चेन स्पेस को हम छोड़ देंगे इसमें इस तरीके से। देखिए ये हमारा ऐसे अटैच हो गया, जो भी ये एक्स्ट्रा थ्रेड्स होंगे ये भी इसमें हमारे सेव हो जाएंगे। यहाँ से हल्का सा लॉन्ग थ्रेड लेकर के हम इसको कट कर लेंगे। टेपेस्ट्री नीडल का हम इसमें यूज करेंगे, आप नॉर्मल नीडल भी चाहें तो यूज कर सकते हैं। इसके थ्रू से हम थ्रेड को बस इसमें सिक्योर कर लेंगे। देखिए इसको हमने इस तरीके से स्टिच कर लिया। अगेन थ्रेड लेके हम वर्क करेंगे यहाँ पे। इलेवन चेन हमें वर्क करनी है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड लास्ट वन 11। फर्स्ट को यहाँ से स्किप कर देंगे, सेकंड वन पे हम वन सिंगल क्रोशिया, टू सिंगल क्रोशिया, हर एक स्टिच पे हमें यहाँ पे सिंगल क्रोशिया वर्क करना होगा एंड तक। ये हमने 10 सिंगल क्रोशिया वर्क किया है। वन चेन लेंगे, वर्क को टर्न करके एवरी स्टिच पे हमें अगेन वन सिंगल क्रोशिया एवरी स्टिच पे वर्क करना होगा। टोटल हमें 10 सिंगल क्रोशिया वर्क करने होंगे। इस तरीके से हमें सिंगल क्रोशिया की टोटल 4 रोज वर्क करनी होगी। ये हमने वन वर्क कर ली है, सेकंड पे हम हैं, 2 रोज मोर हम वर्क करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने ये वर्क कर लिया। यहाँ से हमने कट करके 4 रोज हमने ये वर्क किए, लॉन्ग थ्रेड इसमें छोड़ा हमने। इसको हम इसके सेंटर पॉइंट पे यूज करेंगे। देखिए इस तरीके से इसके बैक साइड पे इसको लेंगे।
एंड इसी में हम ये अपना बैंड, जो भी बैंड आप लगाना चाहें बैंड को इसमें यूज़ कर लेंगे। और जो भी आपके कुछ एक्स्ट्रा थ्रेड्स हो उसको भी आप इसमें इस तरीके से अंदर कर सकते हैं। तरीके से इसको प्रॉपर सिक्योर कर लें। ये देखिए इस तरीके से हमारा ये हेयर टाई रेडी हो गया है। जो भी कहीं एक्स्ट्रा थ्रेड्स हो तो आप उसे कट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर आप चाहें तो आप कोई भी ग्लू से, ग्लू गन या कोई भी फैब्रिक ग्लू से आप हल्का सा यहाँ पे ग्लू करके इसको इसके अंदर कर देंगे तो ये प्रॉपर इसमें सिक्योर हो जाएगा। बहुत ही प्रिटी सा पैटर्न ये रेडी हुआ है। आप अपने इसे किसी भी ड्रेस ड्रेस कलर के चॉइस पे भी इसे रेडी कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स कि आप लोगों को पैटर्न मेरा समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को पैटर्न के लेके कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप उसे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। एंड वीडियो पसंद आ गई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। अगेन रिक्वेस्ट कर रही हूँ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।